तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 12 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली में 523 संवेदनशील बूथों की पहचान की है। इसके अलावा मतदान में बढ़ोतरी के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं, इस पर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग की क्या क्या तैयारियां हैं? हमारे साथ दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह हैं। सर, प्रचार खत्म हो गया है, क्या क्या तैयारी है ताकि वोटर टर्नआउट और शांतिपूर्ण मतदान हो सके? आज 6 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और हमारे तैयारियाँ पूरी हैं। जो साइलेंस पीरियड है इसके एनफोर्समेंट के लिए भी हमने सारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ उनको इंटेंसिफाई कर दिया है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो इसकी पूरी तैयारी करी गई है। उसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सब जगह सारी अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि रैंप की फैसिलिटी, व्हील चेयर की फैसिलिटी, उसके अलावा ब्रेल की फैसिलिटी, साइन लैंग्वेज और वॉलंटियर्स लगाए हमने हर जगह दो दो, तो जो दिव्यांगजन वोटर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और महिलाएं हैं जो छोटे बच्चों के साथ आती हैं या बुज़ुर्ग वोटर्स हैं उनकी भी मदद करेंगे हमारे वॉलंटियर्स। जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए हमने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी की व्यवस्था करी है, तो उनको हम गाड़ी से पोलिंग स्टेशन लाना और वापस छुड़वाना ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं। जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स हैं उनको हम पर्सनलाइज सर्विस दे रहे हैं। 96 ऐसे वोटर्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं पूरी दिल्ली में, उनको हमारा ऑफिसर जाएगा उनके घर, उनको खुद एस्कोर्ट करके पोलिंग स्टेशन लाएगा और उनकी प्रायोरिटी वोटिंग करा के उनका फूलों से सम्मान किया जाएगा और उनकी सेल्फी होगी, उसके बाद उनको बाइज्जत उनके घर वापस छोड़ा जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारी एक छोटी सी पहल है जो 100 साल से उम्र के ज़्यादा उम्र के जितने भी वोटर हैं उनको पसंद आएगी और वो जरूर से जरूर वोट करेंगे। सर, कई आकर्षक इंतजाम आपने किए, लेकिन 523 क्रिटिकल बूथ आपने सेलेक्ट किया है। खास बात यह कि हर बार रिव्यू के बाद वो बढ़ता गया आंकड़ा, कैसे वहाँ पर मैनेज हुआ सब कुछ और इतना कैसे बढ़ गया ये? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि हमारे जो पुलिस है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, तो ये लोग मिलजुल के इसको हमेशा रिव्यू करते रहते हैं क्योंकि और भी इनपुट्स आती हैं उनके पास। कई बार पॉलिटिकल पार्टी से भी इनपुट्स आती हैं तो उनको कोई अंदेशा होता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल करके उसको बार बार रिव्यू किया जाता है और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो होना भी चाहिए क्योंकि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन तक चीज़ों के ऊपर नज़र रहनी चाहिए। तो हमारे पास 523 ऐसे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी और वहाँ पर या तो हम वेबकास्टिंग करेंगे या CCTV लगाएंगे या माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएंगे या वीडियोग्राफी करवाएंगे, तो वहाँ की कड़ी निगरानी रखी जाए। सर, पिंक बूथ, PWD बूथ, क्या लगता है इन सबसे टर्नआउट में जो वो लोग नहीं शामिल होते थे बढ़ोतरी होगी ये भी? जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि ज़रूर बढ़ोतरी होगी, ये भी आकर्षण का केंद्र होते हैं और हम 70 आदर्श पोलिंग स्टेशन और 17 ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन और एक PWD स्टाफ पोलिंग स्टेशन हमने बनाया है और एक ताहिरपुर का पोलिंग स्टेशन हम PWD वोटर्स के लिए डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तादाद में लेप्रोसी क्योर्ड पेशेंट्स हैं, पर्संस हैं जो कि हमारे वोटर्स हैं। सर, 2014 के मुकाबले आपने काफ़ी पैसे भी सीज किए, शराब सीज किए, हथियार इकट्ठा किए, क्या लगता है कि तब के मुकाबले इस बार शांतिपूर्ण, जो तब भी कोई दिल्ली में बड़ी घटना नहीं घटती थी, लेकिन क्या लगता है उससे फर्क ज़्यादा पड़ेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में इस बार हमने सभी बहुत कोशिश करी है कि चुनाव जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसमें कोई मनी पावर का, मसल पावर का मिसयूज ना हो, और इसलिए हमने प्रोएक्टिवली अपने फ्लाइंग स्क्वाड्स के थ्रू, अपने सर्वेलेंस जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं उनके थ्रू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू हमने बहुत कड़ी निगरानी रखी है, जिसके फलस्वरूप हर पैरामीटर में 2014 के मुकाबले में
हमने बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट एक्शन किया। आचार संहिता उल्लंघन के काफ़ी मामले आ गए आपके पास अब भी, कल भी एक पर्ची बंटवाने की घटना सामने आई, पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार ने आपके उम्मीदवार ने मामला दर्ज कराया है, क्या कुछ लगता है कि इन चीज़ों पर भी आप लोग कंट्रोल करने में सक्षम हुए इस बार, कि मामले कुछ कमी आई या फिर उसी तरह से रहा? हाँ देखिए, इस बार हमने बेसिकली तीन चीज़ों पर जोर दिया है। नंबर एक, कंप्लीट पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी। नंबर टू, स्पीड ऑफ एक्शन। एंड नंबर थ्री कि वी हैव टेकन डेटरेंट एक्शन फॉर एनफोर्समेंट। तो इन तीन चीज़ों की वजह से आई थिंक इस बार हमारा चुनाव जो है वो काफ़ी अच्छा, स्मूथ और साफ सुथरा रहा है। सर आखिरी सवाल, 65% मतदान पिछले चुनाव में था, कितना टर्नआउट आप इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 75% एटलीस्ट। कुल मिलाकर 75% एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी, तो जिम्मेदारी निश्चित रूप से जनता की है कि वो मतदान केंद्रों पर जाएं और चुनाव की जो तैयारियां हैं और जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर के दिखाएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।